जी सर, एक 61 वर्षीय महिला के साथ एक फ्रॉड का मामला सामने आया है, क्या कुछ ये मामला है और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम? 10 अप्रैल को साइबर मानेसर में एक महिला की दरखास्त मिली थी, जिसमें इंस्टाग्राम पे एक एलेक्स जो कि यूएस बेस्ड पायलट हैं, उनकी तरफ से उनके पास एक रिक्वेस्ट आई और उनसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तकरीबन 2 करोड़ रुपए ठग लिए गए। क्या कुछ ये मामला था, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? इसमें दिसंबर में महिला से वार्तालाप ये फेक प्रोफाइल से होती है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल से होती है, और उसके बाद महंगे गिफ्ट्स जिसमें यूएस के डॉलर्स और फेक ज्वेलरीज हैं उसके नाम पर और कस्टम क्लियरेंस के नाम पर इसमें विभिन्न बार महिला से ठगी करी गई। कैसे आरोपी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, कैसे महिला उसके चंगुल में फंसी थी, क्या कुछ वो कारण रहे इसके? महिला को इसमें इंस्टाग्राम पे ही उससे बार बार बातचीत की गई और उससे कस्टम क्लियरेंसेस एवं अन्य जो क्लियरेंसेस हैं उसके नाम पर ये सारे के सारे पैसे ठगे गए। महिला को कैसे पता चला सर कि फ्रॉड हुआ है उसका? महिला ने मल्टीपल अपने विभिन्न जो महिला मित्रों हैं उनसे ये पैसे लिए थे और अंत में जब उन्होंने अपने बेटे से पैसे लेने चाहे ताकि वो ठग की भरपाई कर सके, तब उनके बेटे ने उन्हें सचेत किया और उसके बाद उन्होंने ये कंप्लेंट हमारे पास दर्ज कराई। कितने अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर किया गया था, क्या कुछ उन अकाउंट्स की पहचान हो पाई है सर? अभी तक की तफ्तीश में 32 ऐसे अकाउंट्स आए हैं जिसमें फ्रॉडस्टर ने ये सारे के सारे पैसे अपने अकाउंट्स में लिए। बहुत बार गुड़गांव पुलिस ने इस तरह के फर्जी पायलट्स हों, फर्जी डॉक्टर हों, या ऐसी फर्जी प्रोफाइल के मामले का खुलासा किया है। इस पूरे मामले में क्या कुछ तफ्तीश में निकल गया है सर? इसमें जनरली जब हमने पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें नाइजीरियन फ्रॉड के लिए एक बड़ी पॉसिबिलिटी आती है कि नाइजीरियंस इसके पीछे शामिल होते हैं, और इसमें जैसे जैसे हमारे पास अकाउंट की डिटेल्स आती रहेगी उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन से हम इसमें भी एक एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंच पाएंगे कि कौन ये फ्रॉड का सूत्रधार है। केवल ये इंडियन बैठ के इस तरह के कोड कर रहे हैं या फिर कोई बाहरी कंट्री में बैठकर इस तरह के कोड बना रहे हैं? देखिए, इसमें जैसे हम आईपी एनालिसिस के बाद ही इसमें बता पाएंगे कि इंडिया से बैठ के हो रहा है या फिर विदेश से बैठ के ही हो रहा। आपने बहुत बार इस तरह के मामलों का खुलासा किया है जिसमें नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है, तो क्या प्रथम जानकारी में ये बात साफ हो पाई है कि नाइजीरियन हो सकते हैं या फिर कुछ और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जनरली ये जो मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स, इनको हम मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स कहते हैं, इसमें एक नाइजीरियन हाथ जरूर होता है, परंतु जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन इसमें सामने आते रहेगी तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि ये इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो कौन रहे। अच्छा सर, 2 करोड़ के करीब का ये फ्रॉड हुआ है, महिला के पास 2 करोड़ रुपए कहाँ से आए? महिला ने विभिन्न अपनी जितनी महिला मित्र हैं और खुद की भी जो धन संपत्ति है उनसे एकत्रित करके ये फ्रॉडस्टर को ये पैसे सारे दिए हैं। अच्छा, इसमें अमूमन ये भी देखने में आता है कि कस्टम ड्यूटी के नाम पर या फिर कैसे कैसे उसने प्रलोभन दिया था महिला को, जिसमें महिला जो है फंसती चली गई, शक ही नहीं हुआ उसे बिल्कुल। इसमें मल्टीपल बार कस्टम क्लियरेंसेस के नाम पे एवं पोर्ट क्लियरेंसेस, सिक्योरिटी क्लियरेंसेस, पुलिस क्लियरेंसेस एवं जो मनी ट्रांसफर है उसके पीछे जो टैक्सेस के नाम पर ये क्लियरेंसेस, मल्टीपल क्लियरेंसेस में उससे ठगी हुई है।